आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बनारस का दौरा है। खबर के मुताबिक जो शेड्यूल बनाया गया उसके मुताबिक 4:30 बजे बनारस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब से थोड़ी देर के बाद में विकास कार्यों की वहां पर समीक्षा करेंगे। 4:30 बजे पहुंचने के बाद में समीक्षा विकास कार्यों की होगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भी समीक्षा और जायजा होगी। रात्रि काशी में ही बिताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी कि रात्रि विश्राम काशी में होगा। रविवार को वाराणसी से रवाना होंगे। हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़े हैं। विपिन, आपसे थोड़ी देर के बाद में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं बनारस, किस किस्म की हलचल है और क्या तैयारियां? करीब 4:30 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे और सबसे पहले वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बने कोविड सेंटर की में बैठ के बैठक का जायजा लेंगे। और क्योंकि लगातार बीएचयू की शिकायतें हो रही थी, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा हो, जानकारी शिकायत की गई थी वाराणसी से व्यापारियों के द्वारा कि वाराणसी में जितने भी कोविड सेंटर बनाए गए हैं उसके हालात बड़े बुरे हैं, और उसको लेके भी मुख्यमंत्री ने उन व्यापारियों से वादा किया था कि मैं कुछ दिनों बाद वाराणसी आ रहा हूँ और मैं खुद इसकी समीक्षा करूंगा। तो कहीं सबसे पहले वो बीएचयू में करेंगे, उसके बाद सर्किट हाउस में बैठ के कानून व्यवस्था, और जिस तरीके से वाराणसी में कल डबल मर्डर हुआ है और कई दिनों से घटनाएं बढ़ती चली जा रही है वाराणसी में, तो कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर पे भी बैठक करेंगे। और उसके बाद रात्रि में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी मुआयना करेंगे और फिर वापस सर्किट हाउस चले जाएंगे जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह यहां से वापस हो जाएंगे। जी जी विपिन, 4:30 बजे के आसपास का वक्त रखा गया है, आज का शेड्यूल शाम तक क्या क्या है और क्या इस बीच में बीजेपी के नेताओं के साथ में संगठन के लोगों से भी मुलाकात का कोई वक्त है? जी देखिए, अभी तक संगठन के लोगों से मुलाकात का कोई शेड्यूल नहीं बना है, लेकिन सबसे पहले उनका दौरा जो है वो बीएचयू में है जहां कोविड सेंटर की वो मैंने आपको बताया कि कोविड सेंटर की बैठक लेंगे डॉक्टरों के साथ और वहां के मरीजों से भी मिलने की संभावना है और मरीजों से हाल जानेंगे। उसके बाद वहां से निकल के वो सर्किट हाउस जाएंगे जहां प्रशासनिक अमले से लॉ एंड ऑर्डर पे बैठ के और प्रशासनिक विकास कार्यों का जायजा लेंगे और उसके बाद देर रात काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी मुआयना उसमें शामिल है। जी शुक्रिया विपिन, इन तमाम जानकारी के लिए।